हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज की वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस से आई है, जो कि बेंगलुरु से है। इस वैकेंसी में आपको सैलरी 40,000 पर मंथ इतनी मिलेंगी। इस वैकेंसी में नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा? वर्क फ्रॉम होम। तो फ्रेंड, चलो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में। फर्स्ट वैकेंसी सीनियर रेसिडेंट सेक्रेटरी से आई है। फ्रेंड, ये वैकेंसी उन स्टूडेंट के लिए है जिनका क्वालिफिकेशन एमडी सेक्रेटरी, डीएमडी सेक्रेटरी में हुआ, उनके लिए है। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है। फ्रेंड, यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है? वन है। आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूट में। उसके बाद बताया है कि आपको कंप्यूटर का अच्छे सा नॉलेज होना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, प्रिपेयरिंग एंड एडिटिंग वीडियोस, फोटोशॉप, आर्ट इलस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट टर्म, गूगल वर्क स्पेस, लर्निंग वीडियो सॉफ्टवेयर, इनका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेज विल बी प्रिफेरेबल। फ्रेंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, ये लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। फ्रेंड, क्योंकि ये वैकेंसी है बैंगलोर से, तो आपको इन लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, ये सब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास होगा तो ये प्लस पॉइंट माना जाएगा। वर्क लोकेशन कहाँ पे होगा? नीमैंस में होगा, बेंगलोर में, या वर्क फ्रॉम होम। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको सैलरी 40,000 पर मंथ इतनी मिलेंगी। इस वैकेंसी का ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट कितना है? 1 ईयर का। इनिशियली अपॉइंटमेंट विल बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, विच विल बी एक्सटेंडेबल फॉर 6 मोर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द सेटिस्फेक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। फ्रेंड, सबसे पहले आपको 6 मंथ का अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ये एक्सटेंड किया जाएगा बाद में। अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड, यहाँ पे आप सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम में क्या क्या बनाना है? रिज्यूम में आपको अपना ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस, ये सब आपको मेंशन करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ द एज प्रूफ का आपको सर्टिफिकेट लगाना है। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ये यहाँ पे अटैच करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो, इनका प्रिंट आपको पीडीएफ में स्कैन करना है। और आपको यहाँ पे पीडीएफ बना के यहाँ पे ईमेल आईडी दी है। ईमेल आईडी है preetisinha@nimhans.ac.in। इस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देना है। फ्रेंड, एप्लीकेशन सेंड करते वक्त ये सारा फॉर्मेट आपको सीक्वेंस वाइज अटैच करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट कितनी है? 22 अप्रैल को लास्ट डेट है। इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन कैसे होगा? पर्सनल इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू कैसे होगा? आपको ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा। तो ईमेल लिखते वक्त आपको अपना ईमेल आईडी जो एक्टिव है, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन एड्रेस, ये सब आपको जो एक्टिव है वही लिखना है। फ्रेंड, अच्छी वैकेंसी है, फॉर्म फिल कर देना। फ्रेंड, बस इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।